हेलो एवरीवन गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे वूरी के ऑफिस में कुछ सामान डिलीवर होता है, तभी राफेल यहाँ आता है और कहता है मैं चाहता हूँ आप लोग कंफर्टेबली काम करो। तो वूरी राफेल को बात करने के लिए यहाँ से लेकर जाती है। राफेल कहता है मैं ये सब सिर्फ बेबी के लिए कर रहा था। तो वूरी कहती है अगली बार अगर आपको कुछ करना हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। राफेल कहता है ठीक है। वूरी इससे एक एक्ट्रेस का नाम लेती हुई पूछती है तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। तो ये कहता है हम बस एक दूसरे को जानते हैं। वूरी इस बात पर यकीन करने ही वाली होती है कि यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। तो वूरी कहती है क्या आप बहुत ज़्यादा लड़कियों को जानते हो। तो ये कहते हैं ये तो मेरी जस्ट फ्रेंड थी। और यहाँ पर राफेल के कपड़ों पर कॉफ़ी गिर जाती है तो ये वॉशरूम जाता है। तभी राफेल के फ़ोन में उसी एक्ट्रेस का मैसेज आता है। तो वूरी ये मैसेज पढ़ लेती है और इसमें कुछ सीक्रेट के बारे में लिखा होता है। तभी राफेल यहाँ आता है तो वूरी स्लिप होने के बहाने से फ़ोन टेबल पर रख देती है। दूसरी तरफ कांगजी को देखते हैं जो कि मारी के लॉकेट को ढूंढता है और इसे अपने पास रख लेता है। तभी यहाँ पर इसके सीनियर आते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ मिला। तो ये इनकार करता है। यहाँ राफेल उसी एक्ट्रेस के साथ बात कर रहा होता है और बूरी भी छिपकर इनकी बातें सुन रही होती है। राफेल इससे कहता है मैं नहीं चाहता कि इस बारे में किसी को भी पता चले। तभी इसकी नज़र बूरी पर पड़ती है तो बूरी पहले तो उनसे कहती है मैं यहाँ पर ड्रिंक करने आई थी, पर फिर हिम्मत करके पूछती है आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और राफेल से कहती है अगर आप ऐसा ही करते रहे तो मुझे अपने डिसीजन के बारे में फिर से सोचना होगा। तभी एक लड़की यहाँ आती है। एक्चुअली इसी लड़की से मिलवाने के लिए एक्ट्रेस ने राफेल को यहाँ बुलाया होता है। ये लड़की राफेल को थैंक्स कहना चाहती थी क्योंकि राफेल ने इन्हें एक अच्छे डॉक्टर से मिलवाया था जिस वजह से ये ठीक हो सकी। वूरी एम्बेरिस होकर यहाँ से जाने लगती है तो राफेल इसे रोककर साथ में चलने के लिए कहते हैं। ये दोनों यहाँ आते हैं। वूरी राफेल से कहती है मैंने पिछले दो दिनों से आपके डेटिंग रिलेटेड बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स और र्यूमर्स पढ़े। तो राफेल वूरी को अपनी मोम की पिक्चर दिखाते हुए कहता है जब मैं स्कूल में था तब मेरी मोम की डेथ हो गई थी और मुझे सही और गलत बताने वाला कोई नहीं था। तो मैंने बहुत ज़्यादा पार्टीज़ की, घूमा फिरा, पर एक दिन मुझे ये पता चला कि मुझे स्टमक कैंसर है और मेरी मोम की डेथ भी स्टमक कैंसर की वजह से हुई थी। तो मुझे लगा कि मेरी मोम मुझे समझा रही हैं कि मुझे ये काम नहीं करने चाहिए। और कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम बेबी को किसी गलत इंसान को नहीं देना चाहती हो, पर मेरा यकीन करो मैं अब वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ। तो वूरी र्यूमर्स के बारे में पूछने के लिए इनसे माफ़ी मांगती है और पूछती है क्या आपके और आपकी वाइफ के बीच में सब कुछ ठीक है। तो राफेल इसे डाइवोर्स के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ कांगजी मारी को इसका लॉकेट दिखाता है पर ये इसे लॉकेट नहीं देता और कहता है मैं इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखूँगा। मारी कहती है पर हम दोनों सेम साइड में हैं। तो कांगजी कहता है मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तभी मारी को राफेल की कॉल आती है जो कि इसे कल हॉस्पिटल बुलाता है। नेक्स्ट डे वूरी अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल आती है और देखती है यहाँ तो दोनों फैमिलीज के मेंबर्स आए हुए हैं। यहाँ राफेल के डैड और मारी वूरी को बेबी रखने के लिए थैंक्स कहते हैं। आगे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए वूरी को अंदर बुलाती है तो ये सब भी वूरी के साथ अंदर आ जाते हैं। तो डॉक्टर इन्हें बाहर जाने के लिए कहती है पर कोई भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो डॉक्टर सिर्फ बेबी के फादर को अंदर रहने के लिए कहती है। इसके बाद डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने लगती है तो राफेल वूरी से पूछता है मिस ओ क्या आप ठीक हो। तो वूरी कहती है आप मेरा नाम ले सकते हैं, मुझे मिस ओ कहकर मत बुलाइए, मैं सिर्फ राइटर असिस्टेंट हूँ। तो राफेल पूछता है वैसे तुम राइटर कब से बनना चाहती थी। तो वूरी कहती है स्कूल टाइम से और ये याद करती है कि इसने अपने इस ड्रीम के बारे में राफेल को पहले भी बताया था और उस टाइम राफेल ने ही इसे स्क्रीन राइटर बनने के लिए मोटिवेट किया था।
इसके बाद ये हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। यहाँ वूरी गिरने ही वाली होती है कि दोनों हीरोज इसे संभाल लेते हैं। कांगजे राफेल की तरफ देखकर कहता है, ये मेरी फियांसे है। तो राफेल कहता है, पर इसके पास मेरा बेबी है। आगे कांगजे अपने सीनियर को नोमन चाल और मारी की पिक्चर्स और लॉकेट देता है और मारी के बारे में बताता है कि वो हॉस्पिटल के सीईओ की वाइफ है। तो ये कांगजे पर गुस्सा करते हैं क्योंकि इसने इन्हें इस बारे में पहले नहीं बताया। दूसरी तरफ राफेल और मारी को देखते हैं। राफेल मारी को एक एनवेलप देता है तो मारी कहती है, क्या तुम अभी भी मुझे डाइवोर्स देना चाहते हो? तो राफेल कहता है, अंदर देखो। तो मारी देखती है कि इसमें अल्ट्रासाउंड की पिक्चर है। राफेल कहता है, मैं बेबी के लिए तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ करना चाहता हूँ। तो मारी बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ वूरी इस पिक्चर को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है और मॉम से कहती है, आप सही थे, मैं अपनी बेबी को किसी और को कैसे दे सकती हूँ। तो मॉम इसे कंसोल करती हैं और कहती हैं, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा हम उसमें तुम्हारे साथ हैं। तभी नानी यहाँ आती हैं और कहती हैं, जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे और आज भी समझ नहीं आ रहा है, पर हम सब मिलकर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। आगे वूरी के डैड को देखते हैं जो कि ड्रामा की शूटिंग कर रहे होते हैं और ये फैमिली और बेबी के रिलेटेड ही कुछ इमोशनल डायलॉग बोल रहे होते हैं। तभी इन्हें कुछ ध्यान आता है और ये यहाँ से जाने लगते हैं। डायरेक्टर इन्हें सीन कंप्लीट करने के लिए कहते हैं तो डैड ये कहकर निकलते हैं कि मैं ये बाद में कंप्लीट कर दूंगा। ये वूरी की मोम के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे मेरी बेटी को बताने दो कि मैं उसका फादर हूँ। तो मोम मना करती हैं और कहती हैं, वूरी अभी किसी प्रॉब्लम में है तो ये बात हम उसे बाद में बता देंगे। डैड कहते हैं, एटलीस्ट मुझे ये तो बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। तभी इन्हें नानी की आवाज़ सुनाई देती है तो मोम इन्हें रूम में लेकर आती हैं। इसके बाद डैड मोम की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तुम कितने साल की हो? मोम कहती हैं, हम सेम एज के हैं। और इसके बाद ये दोनों किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ नानी ड्रामा में डैड का किसिंग सीन देखती हैं तो फोटो क्लिक करके मोम को दिखाने के लिए इनके रूम में एंटर करती हैं और देखती हैं कि ये तो सेम सीन यहाँ पर लाइव चल रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ कांगजे बूरी से कहता है, क्या तुम जानती हो कि राफेल का रियल नेम किम वो क्रे है? तो बूरी कहती है, नहीं। और फिर सोचती है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे से कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये कांगजे से कहती है, क्या आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मैंने फर्स्ट किस प्री ग्रेजुएशन ट्रिप में की थी? तो कांगजे कार रोक कर कहता है, क्या वो राफेल था? बूरी हाँ कहती है और इसे ये बात ना बताने के लिए माफ़ी मांगती है। तो कांगजे कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और पूछता है, उसने क्या कहा? तो बूरी कहती है, उसे मैं याद नहीं हूँ। दूसरी तरफ मारी राफेल से पूछती है, क्या हम बूरी और उसके फियांसे से मिलने जा रहे हैं? राफेल कहता है, हाँ, और तुम उसे बूरी नहीं बल्कि मिस ऊ कहो। तभी राफेल को पास्ट का इंसिडेंट याद आता है जहाँ ये बूरी को मिस ऊ कहकर पुकार रहा होता है। तो ये बूरी के पास जाता है और पूछता है, क्या उस दिन बीच के पास तुम थी? क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। सारंगयो।